ना रो अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। जब एक जलसा था लाहौर में या इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मैडम चली गई थी। तो मैं जब जिस वक्त गई तो मैंने कहा मियाँ साहब, क्या मैं पार्लर से तैयार हूँ या इंग्लिश स्कूल में पढ़ के हूँ। मैंने गाड़ी ली थी, वो गाड़ी मैंने बेच दी। अच्छा। क्योंकि मैं बेवा औरत थी, मैं ड्राइवर को नहीं रख सकती थी होटल में, लोग तरह तरह की बातें बनाते। आपका नाम हसीना बेगम है, लेकिन मियाँ साहब आपको हसीना नाज कह के बुलाते। पर एक प्रोग्राम था वहाँ पर, लोग इतना बोल रहे थे तो मैंने कहा मियाँ साहब, कहते हैं आप हसीना भी हो और ऊपर से नाज भी हो। पीटीआई के चेयरमैन कौन है? चौधरी सरवर है ये, मगर पहले हमारे साथ था। अच्छा। अब ये यहाँ आ गया, लौटा है। ठीक है, तो अब ये पीटीआई के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हसीना बेगम साहिबा, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं नून लीग की तरफ से, और ये दूसरी दफ़ा नून लीग की तरफ से असम्बली में आई हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू मैडम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र है, तालीम आपने कहाँ तक हासिल की और कहाँ कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने जी, मेरे छोटी सी के माँ बाप फौत हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा बस अपने समझ बूझ के लिए तालीम हासिल कर ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दीनी भी की है, और अल्लाह का शुक्र है कि इतना अच्छा जहन था और सियासत में जो कदम रखा था वो इसलिए रखा था कि मैं मोहल्ले में एक्टिव आई थी शादियों के, और अल्लाह का शुक्र है जब सफ़र का आगाज़ किया तो आज आपको पता है कि मैंने कितनी कामयाबी हासिल की। जी माशा। अच्छा मैडम, मतलब ये है कि आपने जितनी आपको ज़रूरत महसूस हुई उतनी आपने तालीम हासिल की, उसके बाद आप सियासत में आ गई। आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और मैंने वो जीती। काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा, दोबारा भी लड़ा। ठीक है। उसके बाद मैं परवीन मकसूद भट्टी के पास थी, यूनिट मैंने बनाई थी सऊद मजीद के पास। सऊद मजीद के बाद मैं परवीन मकसूद भट्टी के पास आ गई, और वहाँ से जब मैंने अपने सियासत का आगाज़ किया, वो आज तक उनके, अल्लाह का शुक्र है, वो मेरी उस्ताद भी हैं और मेरी लीडर भी हैं। फिर जहाँ भी मैंने जाना होता था, उन्होंने जाना होता था, तो मुझे कदम पे कदम मिला के मेरे साथ चलती थी। अच्छा मैडम, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा आपने, आप जीती, फिर आप लेबर काउंसलर बनी 2005 में, फिर डायरेक्ट सूबाई असम्बली में आना और एमपीए मुंतखब होना, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो ऐसे मुमकिन हुआ कि मैं बहुत अच्छी वर्कर थी। ठीक है। और जहाँ मियाँ साहब आते थे मैं वहीं पहुँच जाती थी। अच्छा। मैंने सबका कैंप लगाती थी, हजारों के हिसाब से औरतें इकट्ठी करती थी। अल्लाह का शुक्र है, एक साल का बच्चा छोड़ के जो मैंने काम किया है ना, उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा, आप मियाँ साहब जहाँ पहुँचते थे तो आप वहाँ पहुँच जाते थे। तो आपका नाम हसीना बेगम है, लेकिन मियाँ साहब आपको हसीना नाज कह के बुलाते थे, इसके पीछे क्या? वो हसीना नाज यूँ कहते थे कि जजे साहब के यहाँ पर एक प्रोग्राम था, वहाँ पर लोग इतना बोल रहे थे तो मैंने कहा मियाँ साहब, कहते हैं हसीना आप हसीना भी हो और ऊपर से नाज भी हो। बहुत लोगों ने तालियां शालियां बजाई और अल्लाह का शुक्र है, भावलपुर में अखबार वाले मीडिया वाले मुझे हसीना नाज कहते हैं। अच्छा। वैसे मेरा नाम हसीना बेगम। हसीना बेगम। अच्छा मैडम, भावलपुर को नवाबों का शहर भी कहते हैं। जी, नवाबों का जी। तो वहाँ से, नवाबों के शहर में से एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की एक बंदी जो है वो सूबाई असम्बली तक पहुंचती है, तो ये तजाद नहीं? ये ऐसे हुआ था कि जिस वक्त ना एक जलसा था झांगी वाले में। अच्छा। वहाँ शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, तो बड़ी तादाद थी वहाँ पर। मैं जब एंड पे पहुंची तो मेरी भी काफ़ी औरतों की तादाद थी। तो मैंने कहा, मुझे कहती थी कि सीना आपने कागज़ नहीं जमा कराए। अच्छा। आप एमपीए नहीं बनोगी। बस मैंने उस वक़्त मगरिब का टाइम था और ऐसी अल्लाह की दुआ पूरी हुई कि मैं वहाँ जलसे से एमएनए के पास गई, परवीन मकसूद भट्टी के पास,
मैंने कहा भाजी मैंने कागज जमा कराने, मैंने एमपी कहती है बस उन्होंने ऐसे ही लफ्ज कहा गुल्लू की पट्टी, तुम मसीना ये क्या कर रही हो वैसा। मैंने कहा नहीं मैं जिदन बहुत थी, मैंने कहा नहीं मैंने करना है। अच्छा, उनके मियाँ कहने लगे करने दे इनू करने दे। बस उस वक्त मैं बैंक गई, वहाँ पर उमरा करके एक लड़की आई हुई थी। अच्छा। बैंक के मैनेजर, ठीक है, वो कहती हैं हसीना मैं दो नफलें पढ़ लूं फिर आती हूँ आपकी बात सुनती। जाहिर है जिस वक्त मैंने साथ जाए तो गे बैंक का दरवाज़ा क्यों ना खुले। वहाँ उन्होंने कहा इसका वो बनाओ ड्राफ्ट बनाओ, उन्होंने मेरा ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, और मैं वहाँ से मुझे बलीक के घर भेजा, वहाँ पर मुझे इमरान बिलोच मिला, ठीक है। बाजी ने कहा इमरान अपना इसके कागज़ जमा करा के और लाहौर जाके, उन्होंने मेरे कागज़ जमा कराए, अल्लाह का शुक्र है अभी कागज़ जमा कराए थे तो लोग मुझे मुबारकबाद देने शुरू हो गए थे। अच्छा, कि मतलब से ही लोगों को ये लगने लगा कि आप एमपी की सीट पे आ जाएंगी असेंबली में। जी जी, ठीक है। मैडम हम एक बात सुनते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, तो आपने ये बात कोई चार दफ़ा सुनी है मेरे ख्याल में, बार बार दो अच्छे दो अच्छे दो अच्छे, आठ बच्चे हैं आपके। हाँ जी। तो ये या सियासत में आप आई हैं तो आपने बच्चों को ब्रेक लगा दी, ये क्या? वो ऐसे हुआ ना कि मैं बुरखा पहनती थी। अच्छा। जब मैं मैंने के घर आई बाजी परवीन मकसूद भट्टी साहब के पास, उस वक़्त वो सब ऐसे ही होती थी और मैं बुरखे से होती थी, और जाहिर है मैंने गाँव गाँव बस्ती बस्ती गली कूचे मैं जाना होता था। मैं भावलपुर को पैदा भी वहीं हुई, ससुराल भी वहीं हुआ, तो मेरे वालिद की बड़ी सपोर्ट थी मुझे और मेरे ससुराल वालों की भी। बस फिर मैंने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता ना आगे बच्चे पैदा करना। अच्छा, ठीक है, अब सियासत में आ गए। अब मैं सियासत में आ गई हूँ, तो बस वो बच्चा आज माशाल्लाह उसके भी एक साल हो गया, साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उसकी सालगिरह थी, अल्लाह का शुक्र है अदा करती हूँ इज्जत से सियासत की, इज्जत के साथ इंशाल्लाह मुझे लोग देखते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कुछ और रहा मसला ये कि अल्लाह का शुक्र है कमाती तनख्वाह तो उनकी भी उतनी है और मेरी भी उतनी है, मगर मैं ये पार्लर शालर नहीं जाती, मैं सादा रहती हूँ और सादा अल्लाह को भी पसंद है। सादा बिल्कुल सादगी पसंद। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो एम पी एज या एम एन एज होते हैं, जो मेंबर होते हैं सूबाई असम्बली के, उनका काम होता है कानून साजी करना, हमारे जो आवाम के मसाइल हैं उनके मुताबिक कानून साजी करना, तो आप क्या समझती हैं कि इसके लिए पढ़ा लिखा होना किस कदर ज़रूरी है कानून साजी? मेरी बात सुनो, कानून साजी लिए तो हमने तो मसले मसाइल हल करने हैं ना, लोगों के कानून साजी करनी है, वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है असम्बली में जब बोलती हूँ तो कफन फाड़ के बोलती हूँ। अच्छा, ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। मेरी स्पीच देखें आप, 28 जून की है और मैंने क्या बोला है, ठीक है, वो लोगों ने बहुत पसंद बहुत की है। और पहले भी मैंने एक किया था तो मीडिया मेरे पीछे लग गई थी, बाहर आके भी और अंदर भी, कि आपने बहुत अच्छा बोला है। जाहिर है जब लोगों के मसले मसाइल, गरीब लोगों को तो मैं जानती हूँ ना, कोठी वाले तो नहीं जानते। अब जब वोट हम लेते हैं उनसे, घर घर जाके वोट, और मैं वैसे नहीं काउंसलर बनी थी, मैंने 958 वोट लेके कामयाबी हासिल की, उस वक्त भी 8 औरतें थी मेरे ऊपर, अल्लाह का करम इतना हुआ कि मैं कामयाब हो गई, ठीक हो गया। अच्छा मैडम, कानून साजी तो होती है असेंबली में, लेकिन बाज़ दफ़ा सेनेट वगैरह में जब आप एमपीज़ वगैरह को वोट देने पड़ते हैं किसी आप कैंडिडेट को देते हैं, तो वहाँ पे पैसों की तो ऑफ़र हुई होगी कभी? होती है पैसों की ऑफ़र, मगर हमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ज़मीर का सौदा नहीं किया, तो क्या यही वजह बनी कि आपको 2018 में दोबारा असेंबली में ले आए? यही वजह है कि मैंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ईमानदारी से काम किया, अपनी तनख्वाह पे गुजारा किया। अच्छा। और गरीब लोगों को जिस वक्त हमारी हुकूमत थी, मैं 8 क्लब से बड़ा पैसा गरीबों को दिलवाती थी, औकाफ के दफ्तर से मैं मेंबर थी, वहाँ से मैं बहुत जेज फंड दिलवाती थी, और उसके बाद प्रवीण भट्टी साहब के पास जब रहती थी तो डीसीओ से मशीनें दिलवाती थी। हमारे यहाँ एक मसला आता है
कि जो MPA जब इलेक्ट होता है उससे पहले जो उसके एहसास होते हैं वो बिल्कुल महदूद से होते हैं, लेकिन जब उसके 5 साल पूरे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत सारे एहसास वो जमा कर चुका होता है। लेकिन आप, ये दूसरा टेन्योर है, इसके भी 3 साल हो चुके हैं, पहले भी आप 5 साल गए लेकिन अभी भी ऑटो पे आना, तो ये कैसा है? अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की शादी कर दी है, घर को मेंटेन कर लिया है, अल्लाह का घर, 7 बच्चों को दिखा लाई हूँ, और क्या करना होता, तनख्वाह तो यही खर्च करती है, खर्चा भी तो है ना। मतलब आप ये कहते मैं हैं कि... मैं नहीं चाहती, मैंने गाड़ी ली थी, वो गाड़ी मैंने बेच दी। अच्छा। क्योंकि मैं बेवा औरत थी, मैं ड्राइवर को नहीं रख सकती थी होटल में, लोग तरह तरह की बातें बनाते, हमारे में सादगी थी, हम नहीं चाहते कि कोई हम पे उंगली उठाए। चलें मैडम, मेंबर बैतुल माल और औकाफ कमेटी रही आप, और मेंबर ह्यूमन राइट्स और ये भी रही आप, हाँ तो जी। इसमें आपने क्या काम किया अगर हमें? अल्लाह का शुक्र है, बच्चियों के दाखले करवा देती थी, मैडम बहुत अच्छी थी वहाँ की, और बैतुल माल से बड़ा लोगों को मैंने चेक दिलवाए, गरीबों की आपने मदद करने की। और जो जेहेज फंड दिलवाती थी तो मैं खुद जाके उनके घरों में चेक करती थी, ठीक है, एक एक घर को चेक करती थी, और फिर उसके बाद बाजी को रिपोर्ट देती थी, प्रवीण मकसूद भट्टी साहिबा को, वो हमारी चरण पर्सन थी, और फिर हम उनको जेहेज देते थे। मैडम आखिरी सवाल ये कि आप सियासत में अपना मुस्तकबिल क्या देख रही हैं, और जो मिडिल क्लास लोग आपको सुन रहे हैं, जो नौजवान सुन रहे हैं या आपकी एज के लोग सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, या हमारे यहाँ ये ख्याल पाया जाता है कि सियासत में आने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो आप कैसे आई, और पैगाम अगर आपको देना चाहें? अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना, ना रो अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है, ये मेरा नसीब था। ठीक है, नसीब तो कोई नहीं बना सकता, नसीब तो अल्लाह ही बनाता है ना। पहले मुझे नवाज शरीफ ने बनाया, जब एक जलसा था लाहौर में या इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मैडम चली गई थी, तो मैं जब जिस वक्त गई तो मैंने कहा मियाँ साहब, क्या मैं पार्लर से तैयार हूँ या इंग्लिश स्कूल में पढ़ के आऊँ? और मियाँ साहब को मैंने कहा, मियाँ साहब जब जुल्फी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? अच्छा। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त की MP ऐसी ना होगी, प्रवीण इसका नाम लिख लो। अच्छा। जब वो खाने पे गए तो उन्होंने उस वक्त भी कहा, सफदर ने मुझे आके मुबारकबाद दी बाहर, और बल्दी होता था, बल्दी ने मेरी दरख्वास्त बनाई, और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है मुझे हर बंदा जानता है, बाबलपुर से लेके सऊदी तक लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब अब ये मैं नहीं जानती लोगों को, लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, ये मुश्किल नहीं होती। अभी मुझे 4-8 दिन पहले एक फ़ोन आया सऊदीया से कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ना, मैंने नेट से आपका नंबर लिया है और आपका आके पिंडी में खाना। मैंने कहा भाई मैं तो तुझे नहीं जानती, कहता मैं जानता हूँ आपको। तो कहने का मकसद है, मैंने बहुत मेहनत की, जवानी थी उस वक्त, फिर मैंने बुरखा उतारा, चादर ली, चादर से मैं दुपट्टे में आ गई। अच्छा, ठीक जी। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम तैयार हैं आप? जी। अच्छा, पसंदीदा नाम? मेरा नाम पसंदीदा नाम मेरा सीना नाज़ है। अच्छा, ये आपको पसंद है? हाँ, जाहिर है, जब मेरे लीडर ने मेरा नाम चुना है और रखा गया है तो मेरा वही मीडिया लिखती है। भावलपुर में मैं हसीना नाथ के नाम से मशहूर हूँ। ठीक है, पसंदीदा जगह? जी, मैंने बहुत सफ़र किए, बहुत इलाके देखे, घर अपना। घर अपना, सबसे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, खाना, पसंदीदा खाना? हाँ, फिश खाती हूँ। फिश? हाँ, फिश खाती हूँ। ठीक है, पसंदीदा खेल? हाँ जी, मैच ज्यादा देखती। किस चीज का? क्रिकेट का। क्रिकेट पसंद है आपको? जी। इमरान खान साहब? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसलिए क्रिकेट ग्राउंड पसंद है मुझे कि मैंने भावलपुर में लड़कियों का क्रिकेट ग्राउंड
बनवाया है और वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने पिछले 5 साल में क्रिकेट ग्राउंड मंजूर कराया, 10 दिन हुकूमत के रह गए थे। आज मैंने देखा है कि इसी हफ्ते में कि मुझे इतना है, मेरा दिल खुश हुआ। बेशक तख्ती किसी की भी लगे, नाम तो मेरा ही है ना, मैंने ये इशू दरखास्त उठाई थी। पसंदीदा फिल्म? चूड़ियाँ। ठीक है, एक्टर? बस यही थे, वहीद मुराद था। अच्छा, वहीद मुराद अच्छा लगते। मशगला, फारग वक्त में क्या करना अच्छा लगता है आपको? घरेलू काम, लोगों के मसले मसाइल। मेरे पास वर्कर बहुत आती हैं, बहुत तो, मेरा घर भरा रहता है इन चीज़ों से। पसंदीदा किताब? दीनी किताब कोई भी हो। हाँ। आपको अच्छी लगती है। ठीक है, पसंदीदा सियासतदान? शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं, नवाज शरीफ साहब से। अच्छा जी, प्रोफेशन मौजूदा के अलावा अगर आपको कोई पेशा अख्तियार करना पड़े तो कौन सा आपको अच्छा लगेगा? अगर आप MPA ना होती तो आप क्या होती? फिर बस यही था कि फिर भी लोगों के मसले मसाइल हल कराती। ठीक है, मैं काउंसलर भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, बल्कि MPA से काउंसलर बहुत अच्छी थी। धड़ाले से काम करवाती थी जाके दफ्तरों। चलें, ठीक है मैडम जी। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? जी तैयार हैं। 2 और 2 4 होते हैं। इसका सवाल बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं। अच्छा जी, इमरान खान अगले वज़ीर आज़म हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हाँ या ना? ना। तो इसका मतलब है? ठीक है। हाँ नहीं, वजीर आजम को हम पसंद नहीं करते। अच्छा ठीक है, ये मेरी तरफ से बिल्कुल। नवाज शरीफ आपके दूर के कजन हैं? जी हैं, इंशाल्लाह वो तो हमारे भाई हैं। अच्छा ठीक, आप पार्ट टाइम थानेदार भी हैं? वह तो हूँ। अच्छा, मैं पार्ट तबीयत से अंदाजा हो रहा है। अच्छा, आप अगला वोट चाइना से कास्ट करेंगे? अगला वोट चाइना से कास्ट करूंगी अगर मियां साहब चाइना के साथ होंगे। अच्छा ठीक है, चाइना के साथ है तो आप चाइना से वोट? नहीं, अपन देखो ना, मियां साहब जिसके मियां साहब होंगे, हम तो हमारा वोट तो चाइना के साथ हो या हम आवाम किसी के भी हो, हमारा वोट मियां का है। ठीक। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैस पर चलती है? ये बकवास है। बकवास है, ये नहीं चलती। अच्छा, ये तो फिर वो अपने मनगढ़ंत के मसले हैं। अच्छा ठीक। आप अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ेंगे? पीपल पार्टी की तरफ से, मैंने आपको बताया कि मैं, अगर आप इसे उलट ले जाएं या सीधा ले जाएं, मैं अपनी पार्टी के साथ, मरना जीना मेरा पार्टी के साथ। ठीक है, आपका मरना जीना पे। ठीक है जी, MPS का काम सड़कें पक्की करवाना होता है? वो मैंने कराई है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा जाके देखें भावलपुर में 50 लाख का मुझे फंड मिला अपनी हुकूमत में। ठीक है, और वो मैं चाय पीने की भी अवादार नहीं हूँ। पहले मैंने चेयरमैन को दिया, वो जरा ऐसे ही करने लगा, मुझे वो उसे पता नहीं था। मैंने 8 क्लब आके अपना फंड सारा निकलवाया और अपने काउंसलर को खड़ा कर दिया, उसने सारी सड़कें चेक कर करके बनवाई। ठीक है। जब मैंने साइन किए, ऐसे नहीं किए, इमरान बिलोच जो था वो मेरा सेक्रेटरी है, 16 पड़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, हर मशोरा हर चीज बता देता है वक्त से पहले मुझे। ठीक है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले सवाल का था, इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का था। मैडम तैयार हैं आप? जी, मुश्किल हो सकती है। अच्छा मैडम, नून लीग के सदर कौन है? स्किप। PDM के चेयरमैन कौन है? नवाज शरीफ साहब PDM। हाँ। को देख रहे हैं। ठीक है जी, वजीर आला पंजाब कौन है? फाजिल रहमान को, जिसको मैं पसंद, बस इतना ही करती, मैं तो उसको अपनी जमात को गाइड करती हूँ ज़्यादा। ठीक है, इसे तो फजल फजल रहमान का। ठीक है, अच्छा अगले वजीर आजम कौन है? उस्मान गुलजार। नैब के चेयरमैन कौन है? शहबाज शरीफ साहब नैब के चेयरमैन हो गए। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? जवेद इकबाल साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो गए, नैब को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है जी, वजीर दाखिला कौन है?
बिलावल भुट्टो। बिलावल जरदारी भुट्टो वजीर दाखिला हैं, शेख रशीद साहब ने वजारत दाखिला उनको गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा पीटीए के चेयरमैन कौन है? चौधरी सरवर है ये, मगर पहले हमारे साथ था। अच्छा, अब ये यहाँ आ गया, लौटा है। ठीक है, तो अब ये पीटीए के चेयरमैन। हाँ, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मैंने कहना है वो मैंने कहा, वो आपने कहना। ठीक है मैडम, आपको आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा प्रोग्राम गया हमारा। जी तो नाज़रीन, ये था आज का सवालनामा, जिसमें हसीना बेगम साहिबा हमारी मेहमान थी और उन्होंने अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँची और एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो असम्बली तक कैसे पहुँच सकता है। अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामी। We'll be right back.